नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी इन हिंदी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे LLP टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2018 के बारे में। दोस्तों, मेरे को बहुत से कमेंट आ रहे थे जिसमें बताया जा रहा था कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं तो क्या मैं ALP की पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हूँ, जबकि मैं रिजल्ट में यस लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये कन्फ्यूजन बहुत से लोगों के मन में है और आपके मन में भी होगा, मेरे भी मन में था। तो मेरा जो डाउट क्लियर हुआ तो मैंने सोचा कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनका भी मैं डाउट क्लियर कर दूं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना के पोस्ट किया है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके उनका भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे की तरफ ऐसा ही रेड बटन दिख रहा होगा जिस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेते, पास ही बने बेल आइकन बटन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें तथा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना नहीं भूले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जो आपके मन में डाउट है वो क्लियर करता हूँ। और इसके अलावा जो भी आपके मन में अगर डाउट है तो नीचे आप वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूँगा। दोस्तों, जैसे किसी कैंडिडेट का रिजल्ट आया और उसके मार्क्स आ रहे हैं अपने 42, जैसे 42.45 मार्क्स आ रहे हैं, और जबकि उसकी जोन की जो कट ऑफ है ALP की वो 45 है, टेक्नीशियन की कट ऑफ लगभग 35-30 के बीच में है, और SNT जो सिग्नल और टेलीकम्यूनिंग पोस्ट है उसकी कट ऑफ तो 66.98 है, 66.98। तो वो अगर क्वालिफाई में उसका अगर यस लिखा हुआ है और वो अगर ITI किया हुआ है उसका यस लिखा हुआ है और वो सारी पोस्टों से अप्लाई है, तो दोस्तों वो ओनली टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए ही एग्ज़ाम फाइट करेगा, ना कि ALP के लिए। दोस्तों, वो ALP के लिए एग्ज़ाम फाइट नहीं कर पाएगा, ओनली टेक्नीशियन के लिए, जबकि उसका जो रास्ता है वो SNT के लिए भी बंद हो चुका होगा और ALP के लिए भी। जो उसके सामने अब रास्ता है ओनली फॉर टेक्नीशियन की पोस्टों के लिए, वो टेक्नीशियन की पोस्टों पर ही फाइट कर सकता है। तो दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेके मैं आपका और भी डाउट जो क्लियर है वो क्लियर डाउट है जो क्लियर कर ही देता हूँ। जैसे कि दोस्तों, ये कैंडिडेट है, इसके मार्क्स आ रहे हैं 52, जबकि नॉर्मलाइजेशन के बाद हो गए 59, आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर। और इसका क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट लिस्ट फॉर सेकंड CBT स्टेज, तो लिखा हुआ है नो। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे 59 मार्क्स होने के बाद भी इसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो इसका रीज़न ये है, ये कैंडिडेट 12th PCM का था, और जहाँ तक SNT की बात है तो SNT कट ऑफ लगभग 60 से ऊपर अबव ही रही है, और इसके जो मार्क्स आए हैं वो 59 आए हैं, तो इसका जो एग्ज़ाम सेकंड स्टेज CBT में क्वालिफाई ये नहीं हो पाया है। अगर मान लो इसके 60 मार्क्स होते, अगर 60 मार्क्स में नहीं होते, मान लो 59 मार्क्स होते, और अगर इसने डिप्लोमा या ITI या BTI कुछ किया हुआ होता और साथ में इसने ALP की पोस्ट भरी होती, तो इसकी कट ऑफ बहुत कम थी, जैसे 50, 40, 45 लगभग थी, तो यहाँ पर इसका क्वालिफाई एग्ज़ाम हो जाता, यस लिखा हुआ आता कि आप सेकंड एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो। और अगर इसके जो ये मार्क्स है 59, अगर ये जैसे कि ALP कट ऑफ 60 है और इसके 59 मार्क्स है, तो और इसके टेक्नीशियन की कट ऑफ में चल रहा है, तो ये टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए क्वालिफाई होता, ना कि ALP के लिए। तो जो दोस्तों, इसकी वजह से ये SNT की पोस्ट के लिए था और इसका क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे इस एग्जाम्पल के द्वारा आप आसानी से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे एक बार कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और डेली फ्री जॉब अलर्ट की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली न्यू अपडेट्स, फॉर्म भरने की प्रक्रिया, विभिन्न प्रकार के NLSS कट ऑफ, GK मैथ, सारी ट्रिक मेरे चैनल पर डेली अपडेट मिलती है। और रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट पाते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए आपको यहाँ पर अभी एक मेरे चैनल का आइकन आ गया होगा, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और मेरी नई नई लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।